इस तरह का जागरूकता का कार्यक्रम आपने शुरुआत किया और ये पहली बार नहीं जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो जनता से जुड़े हैं और सच्चाई है कि उन पर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ समाज और हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। वहीं मैं जहाँ केवल समाजवादी लोग सपना देखते थे साइकिल चलाने, मुझे खुशी है कि इतने बड़ी संख्या में नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे बड़े बड़े व्यापारी दिखाई दे रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कम से कम समाजवादियों ने ये काम तो किया कि शहरों को साइकिल फ्रेंडली कैसे बनाए। देश में लखनऊ पहला शहर होगा जहाँ पर सबसे बेहतर और सुरक्षित साइकिल ट्रैक हो। मुझे याद है जब शुरुआत में मैंने इस बात को शुरू किया था कि दो जगह किया था, लेकिन उस समय समाजवादियों की बात नहीं मानी। जहाँ अभी घटना हुई है बड़ी, जहाँ 150 लोग मारे गए, जान चली गई जिंदगी, उस शहर ने जब कार फ्री जोन बनाया, पूरा 100% साइकिल के लिए बनाया, फिर गुड़गांव भी आ गया और भी जगह आ गए और बड़े से अधिकारी जो IPS स्तर के हैं उन्होंने भी साइकिल चलाने लगा। आने वाले समय में मैं समझता हूँ शहरों को बेहतर बनाने के लिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले शहर ही चलने नहीं देंगे किसी, क्योंकि बड़ी समस्या है। जान मैं जानता हूँ तमाम लोग ऐसे भी हैं साइकिल ट्रैक पे चलते हैं तो तमाम गाड़ियों को ओवरटेक करके निकल जाते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, साइकिल कहीं है तो उठा के भी पहुंच सकते हैं।